नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांव से ग्रामीणों का विस्थापन लगभग पूरा हो चुका है। अब देवी देवताओं की प्रतिमाएं विस्थापित की जा रही हैं। आज मैं आपको पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा को किस तरह विस्थापित किया गया है, किस तरह उस प्रतिमा का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। रोही गांव में थी ये सबसे बड़ी प्रतिमा, 24 फुट लंबी और 70 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा जो गांव की पहचान बनी हुई थी, यह पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा को रेस्क्यू ऑपरेशन करके सैकड़ों लोगों के द्वारा काफ़ी पैसा खर्च करके पास के पारोही गांव के मंदिर में स्थापित किया गया है। कैसे हुआ है इस प्रतिमा का रेस्क्यू ऑपरेशन, दोस्तों देखिए पूरा वीडियो। एक निवेदन है दोस्तों आप सभी से, जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक ये खबरें आप हमारी रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे, लेकिन दोस्तों अब ये खबरें आप देखेंगे जागो हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर। जेवर एयरपोर्ट का सबसे बड़ा विस्थापित गांव रोही है और रोही गांव की पहचान यह हनुमान मंदिर है। गांव में जब प्रवेश करते हैं तो दाहिनी हाथ पर प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल से पहले यह विशाल हनुमान मंदिर है और हनुमान प्रतिमा यहां लगी हुई थी। लगभग 70 वर्ष पुरानी यह प्रतिमा कई गाँव के लोगों ने सहयोग से लगाई थी यहाँ, और 24 फुट ऊंची यह प्रतिमा थी। इस प्रतिमा को स्थापित करने में यानी दूसरी जगह शिफ्ट करने में प्राधिकरण और जिला प्रशासन के अधिकारियों के पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी मशीनों के द्वारा इस प्रतिमा को गहरी खुदाई करके सुरक्षित निकाला गया और मशीनों के द्वारा इस प्रतिमा को सुरक्षित पड़ोस के गांव पारोही के मंदिर में स्थापित किया गया है। काफ़ी लोग देखते रहे इस तमाशे को, कैसे इस प्रतिमा को सुरक्षित ढंग से प्राधिकरण और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर स्थापित कराया। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गाँव से हनुमान प्रतिमा का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा था। अधिकारियों और गांव के लोगों को इस बात का डर था कि प्रतिमा का रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कहीं प्रतिमा को कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई क्षति नहीं पहुंची। सकुशल सुरक्षित यह हनुमान प्रतिमा एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर स्थापित की गई। दोस्तों, लगातार जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल जागो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।